दोस्तों मैं हूं अभी डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में, और अपने सामने खड़ी है ये जो गाड़ी है ये टाटा पंच का सीएनजी वाला वेरिएंट रहने वाला है बेस मॉडल में। और ये जो गाड़ी रहने वाली है ये है पंच प्योर सीएनजी, बट ये रहने वाला है अपना एक स्पेशल एडिशन जो कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इससे पहले एक मैंने प्योर पेट्रोल के अंदर दिखाया था, ये सीएनजी वाला एडिशन जो है वो रहने वाला है। बेसिकली एक्सेसरीज जो है वो इंस्टॉल करी गई है बेस मॉडल के अंदर डीलरशिप के थ्रू। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विद प्राइसिंग के क्या कुछ एक्सेसरीज जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है, और जो है कितना कुछ कंप्लीट पैकेज जो है वो रहने वाला है। सबसे पहले कार के फ्रंट पोर्शन से हम देखेंगे, तो यहाँ पे आप चेक करोगे फ्रंट में आपको स्किड प्लेट नहीं मिलती है इस वाली कार के अंदर। तो यहाँ पे स्किड प्लेट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया जा चुका है, जो कि आप सिल्वर इंसर्ट चेक कर सकते हैं। ये अपना दो पीस में आता है, एक पार्ट आपको फ्रंट में मिल जाएगा और एक पार्ट आपको जो है वो रियर में भी देखने को मिल जाता है। तो रियर का लुक भी आपको यहाँ पर हम चेक करवा देते हैं किस तरीके का अपना देखने को मिलेगा। तो फ्रंट बैक जो स्किड प्लेट है वो यहाँ पर इंस्टॉल करी गई है, यहाँ पर आप लगी हुई देख सकते हैं, और यहाँ पर इस कार के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो वो भी आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। और ये जो स्किड प्लेट यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है इसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 6,700 रुपीज़ की। इसके अलावा तो नेक्स्ट हम बात करेंगे तो व्हील कवर्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। व्हील कवर्स आपको इस रेट में नहीं मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं बिफोर लुक और ये अपना आफ्टर लुक चेकआउट कर लीजिए। इस तरीके का एडवेंचर वेंट में व्हील कवर आपको कंपनी लगाकर देती है। सेम व्हील कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी कॉस्टिंग की अगर हम बात करेंगे 2,999 रुपीज़ की कॉस्टिंग के अंदर व्हील कवर जो है इंस्टॉल किए गए हैं। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको रूफ रेल जो है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि अपना कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ रहेगी। इसकी कॉस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो 5,999 रुपीज़ की कॉस्टिंग के साथ इसका इंस्टॉलेशन जो है वो किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रोम इंसर्ट देखने को मिल जाता है, जिसको विंडो गार्निश कहा जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये अपना 8 पीस में रहने वाली है, 4 पीस आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगा और 4 पीस का जो इंस्टॉलेशन है वो आपको दूसरी साइड में देखने को मिलेगा। और इसकी कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो 3,500 रुपीज़ की कॉस्टिंग के साथ जो इसका इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपना डोर एज गार्ड जो है वो भी इंस्टॉल रहने वाला है, जिसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 500 रुपीज़ की। चारों कॉर्नर्स पे आपको देखने को ये मिल जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देखोगे साइड बीडिंग जो है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि अपना फुल क्रोम में रहने वाली है, और साइड मोल्डिंग जो है इसको कहा जाता है। इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे तो 2,699 रुपये, यानी कि 2,699 रुपीज़ की कॉस्टिंग में इसका इंस्टॉलेशन जो है वो किया गया है। बिफोर लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं, आफ्टर लुक आपके सामने है। रियर में आते हैं तो रियर में एक स्पॉइलर जो है वो इंस्टॉल किया जा चुका है, जो कि आप चेक करेंगे प्रॉपर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा। इस स्पॉइलर की कॉस्टिंग की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 5,999 रुपीज़ की, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बिफोर लुक में किस तरीके का आता है और आफ्टर लुक में किस तरीके का है, दोनों ही लुक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिग्गी गार्निश देखने को मिल जाएगी, इसको टेल गेट क्रोम जो है वो कहा जाता है। इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे तो 1,899 रुपीज़ की कॉस्टिंग के साथ जो है ये गार्निश यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। बाकी एक रिफ्लेक्टर गार्निश जो है वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाने वाली है, इसको रिफ्लेक्टर क्रोम जो है वो कहा जाता है। इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे तो 999 रुपीज़ की कॉस्टिंग में ये जो गार्निशिंग का काम जो है वो किया गया है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको इंटीरियर से बताते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। दोस्तों इंटीरियर में सबसे पहला वर्क किया गया है अपना म्यूजिक सिस्टम का। इंटीरियर में जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको नहीं मिलता है इस सारी कार के अंदर, क्योंकि बेस वेरिएंट था। तो यहाँ पे आप चेक करोगे 9 इंच की स्क्रीन के साइज के साथ प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम के साथ जो स्टूडियो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये स्टूडियो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कापले के साथ आएगा और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको टच स्क्रैच के साथ देखने को मिल जाएगा। कई सारी एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती है, जैसे कि यूट्यूब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्रोम ब्राउजर है, एप्लीकेशन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको नेविगेशन का फीचर मिल जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे क्रोम ब्राउजर वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है। रियर व्यू कैमरा के साथ अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे तो 29,990 रुपीज़ की कॉस्टिंग में स्टीरियो जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों स्पीकर की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि बेस रेट में स्पीकर नहीं आते हैं, तो स्पीकर इंस्टॉल किए गए हैं जो कि कॉस्ट करते हैं अपने 7,000 रुपीज़ के। चारों स्पीकर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं इस वाली कार के अंदर, तो स्पीकर लग चुके हैं अंदर, वो आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो ये सब एक्सेसरीज जो है वो इंस्टॉल करी गई हैं इस स्पेशल एडिशन कॉम्बो के अंदर। हम बात करें अगर इसकी टोटल प्राइसिंग वगैरह की, तो एक चीज़ और रह जाती है जो कि डोर वाइजर है। डोर वाइजर जो है अभी इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसका भी इंस्टॉलेशन जो है वो कर दिया जाएगा। 2,199 रुपीज़ की कॉस्ट में जो डोर वाइजर हैं वो रहने वाले हैं। अब इन सब की जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, इन सब की कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो 70,483 रुपीज़ की कॉस्टिंग में ये अपना कंप्लीट रहने वाला है। और अगर आप इस कंप्लीट स्पेशल एडिशन को परचेस करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा, जो कि अपना 3,999 रुपीज़ का रहने वाला है, यानी कि 4,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो आपको यहाँ पर सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये जो गाड़ी है वो अपना रहने वाली है डीपीएस कार्स कश्मीरी गेट शोरूम में खड़ी है। अगर आपने गाड़ी देखनी है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। बाकी नीचे आपको जो है बेस्ट डील के लिए कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके बेस्ट डील जो है इस कार के ऊपर ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।